बिदना दिव्यापुर मार्ग पर चलने वाले टेम्पो चालक तहसील पहुँच कर जिलाधिकारियों पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि सब शहाब प्राइवेट बस चालक और बस मालिक आए दिन मेरे साथ मारपीट करते हैं, जिसे बंद कराया जाए। शनिवार को तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में बिदना रामगढ़ मार्ग पर दिव्यापुर होते हुए जाने वाले टेम्पो चालक को बिदना रामगढ़ दिव्यापुर मार्ग पर चलने वाली बसों के चालक और बस मालिक आए दिन रास्ते में रोक कर मारपीट करते हैं, जिसे दुखी होकर दो दर्जन से अधिक टेम्पो चालक और मालिक जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिले और मारपीट करने वाले बस मालिक और चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाए। इस पर पुलिस को मामले की जांच करने के लिए कह दिया गया, जबकि टेम्पो चालकों ने यह भी बताया कि पुलिस से शिकायत करते हैं तो पुलिस उल्टा गाली गलौज कर प्रताड़ित कर भगा देती है, लेकिन उस बस मालिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, जबकि निरंतर मारपीट करते आ रहे हैं और मेरे शब्द के द्वारा शिकायत भी की जा रही है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। संवाददाता अमित कुमार शर्मा बिदना हो रही है। कहाँ रहते हैं आप? हरचंदपुर। थाना कौन सा? दिव्यापुर। क्या मामला है आपका? हम लोग ऑटो चलाते हैं साहब, अपने कोई किस रोड पे ऑटो चलाते हैं? हम इसी रोड पे चलाते हैं, दिव्यापुर बिदना। दिव्यापुर बिदना, ठीक। फिर क्या हुआ? रोड पे हम अपनी सवारी लेकर आए साहब, इस तरह से खाली जा रहे थे, उन्होंने कहा इस रोड पे क्यों चलाता है सवारी, हमारी बस चलेगी, अगर दोबारा इस रोड पे आए तो जान से मार डालेंगे, मारो सब कपड़ा वपड़ा फाड़ डाले। काहे से मारपीट की आपकी? हाथम से डंडा से मारो, लड़का आते हैं दस लोग थे। हाँ, फिर आपने शिकायत की पुलिस से? हमने शिकायत करी पुलिस से। पुलिस शिकायत की? हाँ। क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ सर। आज आप लोग यहाँ शिकायत करने आए हैं? हाँ, सर। हाँ।